मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर रायसेन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक रामपाल सिंह राजपूत शामिल हुए। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर रायसेन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री रामपाल सिंह राजपूत ने मोदी सरकार के द्वारा 8 साल में किए गए विकास कार्यों के बारे में बताया। विधायक रामपाल सिंह राजपूत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता मिशन, स्वामित्व योजना का आम जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। वहीं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार कर रही है। देश के अंदर हमारे लोकप्रिय, देश के विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिनकी सराहना पूरे विश्व में हो रही, 8 वर्ष पूरे हुए हैं और 8 वर्ष में जो देश के विकास को गति मिली है, विकास हुआ है, चहुंमुखी विकास हुआ है, उसको लेके आज रायसेन के अंतर्गत ये आप लोगों के बीच में आके पत्रकार वार्ता में आप लोगों को आमंत्रित किया गया है। अद्भुत काम देश के अंदर हुए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए, सभी वर्गों के लिए देश के अंदर अद्भुत काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। हम किसान सम्मान निधि की बात करें, आज तक किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपये सीधे खाते में डाले जा रहे हैं और उसमें भी हमारे मुख्यमंत्री जी 4,000 प्लस करके 10,000 किसान, छोटे किसान के खाते में डालने का काम कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना, गरीबों को आवास, पेयजल योजना, अनाज, पूरे दुनिया महंगाई से जूझ रही है लेकिन महंगाई के संकट के काल में भी देश के अंदर पेट्रोल, गैस, डीजल के रेट कम करना, ये अद्भुत काम माननीय मोदी जी ने किया है और उसके लिए हम लोग उनको बधाई दे रहे हैं। आज के इस बैठक के माध्यम से पत्रकार वार्ता में हमारे साथियों को बताना चाहते हैं, ऐसे अद्भुत काम, सड़कों के विकास का बात हो, सड़कों का विकास भी हो रहा है और कई गली गरीब कल्याण के लिए और देश की सुरक्षा के लिए जो काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं वो अद्भुत हैं और उनका आज पूरी जानकारी आपको मीडिया के मित्रों के साथ साझा कर रहे हैं और पत्रकार वार्ता के माध्यम से जो सारी उपलब्धियां हैं, ढेर सारी उपलब्धियां हैं, इनको बताया भी, चर्चा विस्तार से आपको बताया है। लेकिन हम आज ये कह सकते हैं कि कांग्रेस शासनकाल वर्षों तक रहा, लोगों का विश्वास टूट गया था। कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 100 रुपये भेजते हैं तो 85 रुपये बीच में ही फंस जाता है। लेकिन धन्यवाद देंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को, जनधन योजना के अंदर खाते खुलवाए और जब संकट का समय आया कोरोना काल में 100 रुपये भेजे तो पूरे 100 रुपये गरीब किसान के, माताओं बहनों के खाते में आने का काम किया। ये चमत्कार किया देश के अंदर 8 वर्ष में, जो पहले नहीं हो पाया वो काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने किया है।